अच्छा, नहीं, इस प्रोग्राम में हमने क्या किया है, मार्क्स लिए हैं, फ्लोर ले सकते हैं। वैसे मार्क्स यूजुअली इंटीजर्स होते हैं, लेकिन चले मार्क्स, और मैं वेरिएबल मार्क्स ले रहा हूँ जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट के लाजमी नहीं है कि आपने उसे सिंगल वर्ड रखना है, आप उसे कुछ तरह भी रख सकते हैं। तो सी आउट ऑब्टेंड मार्क्स तीन, अब वो किस में स्टोर होने चाहिए, मार्क्स में, एम में, ये स्पेलिंग का ध्यान और उसका शॉर्ट मार्क या मार्क्स हो गया। ठीक है, ये आपके पास आ गए मार्क्स। अब हमने जाना है नेक्स्ट स्टेप में, कंडीशनल स्टेटमेंट के, बच्चे को पास करना है या फेल। वैसे अच्छी बात है बच्चे को पास करें, लेकिन अगर उसके मार्क्स ना हो तो फिर मैं कोई कुछ नहीं कर सकता। तो हमने मार्क्स के लिहाज से यूजुअली पाकिस्तान में जो है यूनिवर्सिटीज़ 50% पासिंग मार्क्स हैं, जबकि स्कूल या कॉलेज लेवल पे 33 मार्क्स है। तो हम 33 लेते हैं इफ़ मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 33, यानी या इसको यूँ कर लें, लेस देन कर लें बस। ठीक है, इफ़ मार्क्स आर लेस देन 33 तो आप क्या करें, सी आउट द स्टूडेंट इज फेल्ड, मे बी एन अप्रिशिएशन और मे बी मोटिवेशन, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। आई डोंट नो कि ये वर्ड कितना प्रोडक्टिव होता होगा, जो बच्चे के अच्छे मार्क्स नहीं आए या जो फेल हुआ है तो उसे इससे देख के कितना अच्छा लगता होगा। तो देन और कोई पॉसिबिलिटी नहीं, एल्स तो अगर 33 हैं या 33 से बड़े हैं, सो वी नीड एन अप्रिशिएशन, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर पास। तो सिंपल सा, इट कुड हैव बीन अ फर्स्ट प्रोग्राम, लेकिन चलें सेकंड पे हम कर रहे हैं इसे कंडीशनल स्टेटमेंट पे। तो व्हेन आई प्रेस F11 तो आई गोट दिस थिंग ऑब्टेन मार्क्स। सो कंसीडर के स्टूडेंट गोट 34 मार्क्स, कंग्रेचुलेशन यू आर पास, सो दैट्स अ गुड थिंग। बाकी आप इसको अगर टीपी का रखना चाहें तो जस्ट M, so it again have no effect, reverse कर सकते हैं। If M is greater than 33 or equal to, क्योंकि जारी बात उसमें फिर वो passing के लिए है, तो pass, else fail। तो ट्रेन मार्क्स अगेन यू कुड सजेस्ट मे बी 33, मे बी ट्राई, यू हैव पास, गुड, कंग्रेस। एंड मे बी 90 और एज यू हैव पास, मे बी ट्राई फॉर अ फेल एज वेल। अगेन फॉर लूप लगा के आप ज़्यादा केसेस बना सकते हैं। बैटर लाइक नेक्स्ट, ओके। सो दिस इज़ हाउ इट कैन वर्क आउट। अब इसको हम अपग्रेड कर सकते हैं, देखें। अब इसके अलावा कि पास या फेल ग्रेड शो किए जा सकते हैं कि स्टूडेंट ए ग्रेड ले रहा है, बी ले रहा है, सी ले रहा है, विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट। अब देखिए जिसके 33 हैं, येट इज़ पास, लेकिन ओवरऑल देखा जाए इज़ नॉट पास, उन मार्क्स के साथ वो क्या करेगा। तो ग्रेड जो है वो ज़रूरी है। तो हम नेक्स्ट अब देखते हैं ग्रेड्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं।